उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के गुरुद्वारा के सामने राखी बेच रही एक किशोरी को कथित रूप से पीटने से उपद्रव हो गया। इस मामले में 300 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। हालात के मद्देनजर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर डीएम, एसपी, एसपी ग्रामीण, एसडीएम सहित कई सीओ, दो कंपनी पीएसी आरपीएफ और एक कंपनी रेपिड एक्शन फोर्स तैनात है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दंगा नियंत्रण वाहन भी तैनात किया गया है। पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। डीएम और एसपी ने फ्लैग में मार्च करके लोगों को शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, अपील किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुभाष चंद्र शाक्या ने बताया है कि शनिवार को बांडा स्थित गुरुद्वारे के सामने गेट पर प्रियंका, जो कि 14 साल की है, एक लड़की राखी बेच रही थी। चौकीदार ने लड़की को वहां से हटाने को कहा और इसी बीच दोनों में कहासुनी हो गई। चौकीदार ने लड़की को डंडा मार दिया जिससे उसके पैरों में चोट लग गई, जिसकी वजह से ये दंगा भड़क गया। इसके साथ ही जब ये जानकारी लड़की के घर वालों को मिली तो उन्होंने धर्म स्थल का घेराव कर लिया और पथराव शुरू कर दिया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, मगर उपद्रवियों ने उन्हें भी खदेड़ दिया और पथराव होता रहा।